गुरुग्राम की एसजीटी यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड पर कमेंट करने का बदला लेने के लिए लॉ के छात्र ने शुक्रवार की दोपहर पार्किंग के पास मेडिकल के छात्र के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से वो मौके पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। पार्किंग में मौजूद छात्र और गार्ड इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से कुछ घटनास्थल पर पहुंचे। वो उसे इमरजेंसी में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने ज्यादा खून बहने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसीपी वेस्ट सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके के फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। छात्र हर्ष के बयान पर लक्की सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजेंद्र पार्क थाना प्रभारी के अनुसार दोपहर 12:45 पर एसजीटी यूनिवर्सिटी परिसर स्थित पार्किंग में दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले लक्की ने उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले विनीत को गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास के गार्ड की ओर से सूचना देने के बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे इमरजेंसी पहुंचाया गया, जहां पर उसे मृत बताया गया। विनीत मेडिकल में 4th साल का छात्र था। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला है एमएससी तृतीय वर्ष की छात्रा से लक्की की दोस्ती थी, जिसके बारे में विनीत ने कोई कमेंट कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। गोली की सूचना पर मौके पर डीसीपी वेस्ट एसीपी उद्योग और थाना प्रभारी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। डीसीपी वेस्ट का कहना है कि मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, वो शामली से आ रहे हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मौके पर तैनात गार्ड को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस ये जानना चाहती कि लक्की वहां पर आता रहता था या फिर वारदात के दिन ही आया था। गोली मारने के बाद वो फरार हो गया। एसजीटी यूनिवर्सिटी के पीआरओ रजनीश ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों में आपसी विवाद के चलते गोली चलाने का मामला सामने आया है। इसके कारण एमबीबीएस के छात्र विनीत की मौत हो गई है। पुलिस को सभी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिया गया है। आगे भी यूनिवर्सिटी की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा।